السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فعن الله بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم

आपकी वफात हुई और जिस साल जिस वक्त आपकी वफात हुई उस वक्त आपकी उम्र सत्तर बरस की थी अब्दुल्ला बिन अबी बकर कहते हैं कि रफिल किताबिल उस किताब में या उस खत में या उस तहरीर में किताब माने खत तहरीर अल्लदी जिसने कतबहु कतब माने लिखा कतबहु उसको लिखा था रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अन्न फिल किताब अल्लदी कतबहु रसूलुल्लाह वो किताब या वो खत जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा था किसके लिए ले अम्र इब्न हज़्म अम्र बिन हज़्म के लिए अम्र बिन हज़म ये सहाबी हैं मदीना के ये मशहूर सहाबी हैं कबीले खजरत से इनका ताल्लुक था इनकी कुरियत अबू जहा है गज़व खंदक में इन्होंने अल्लाह के नबी के साथ शिरकत की थी फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजरान की तरफ़ इनको आमिल बना करके भेजा था कि वो सदक़त वगैरह की वसूलू करेंगे और फिर वहाँ उन लोगों को दीन और ईमान और अकीदा सिखाएंगे। है तो उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तहों के दौर खिलाफत में भी वहीं पर थे इसी ड्यूटी पर इसी काम पर सन पचास हिजरी में मदीना में आपकी वफ़ात हुई अल्लाह के नबी सलील वम ने इन्हीं की तरफ एक लेटर एक ख़त जिसमें मुख्तल अहकाम और मसाइल को लिख करके भिजवाया था वो चीज़ें जो उस लेटर में या उस ख़त में या उस किताब में दर्ज थी लिखी हुई थी उसमें जो मसाइल थे उसके बारे में अहम ने कहा कि फ़रज़ के बारे में सुनन के बारे में सदक़ात और ज़क़़त के बारे में दियात के बारे में यानी जो इस्लामी शरीयत में या इस्लामी हुकूमत में कोई आदमी मुखालफत करता है मर्डर करता है चोरी करता है तो जो उस पर जो सज़ाएँ हैं उन सब के मुतक जो अहादीस थी अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने लिख करके भिजवाया था क्योंकि आपने ख़ुद नहीं लिखा था क्योंकि आप लिखना नहीं जानते थे लिखवाया था तो ये आ, कहा जाता है कि आदमी ने काम करवाया है तो काम की नस्बत उसकी तरफ किया था कि यह काम उसने किया है बहरहाल अल्लाह के नबी सल्ला व्ल् ने एक लेटर लिख करके अमर बिन हज़म की तरफ जो नजरान में थे यह नजरान का इलाक़ा सऊदी के बिल्कुल बॉर्डर पे इस वक्त है और आ, यमन के करीब है यमन के करीब है लेकिन ये मुल्क यमन में नहीं है ये नजरान ये सऊदी अरब का ही हिस्सा है लेकिन ये बॉर्डर पर है करीब करीब आ, यमन से लगा हुआ है करीब में है अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने जो ख़त में लिख करके रवाना किया था वो क्या बात थी कहते हैं कि अल्लाह मसल क़ुरान इल्ला ताहिर कि कुरान को न छुए मगर पाक शख्स पाकिज़ा इंसान यानि जो शख्स वज़ू बनाया हुआ हो वही कुरान को छूए ताहिर कुरान को न छूए मगर पाकिज़ा इंसान बावजूद शख़्स मालिक मुरसलन इमाम मालिक ने इसको मुरसल जिक्र किया है व वसल व वसलू मौसूला वसलू अन्सय अबनिब्बान इमाम न सई ने और इमाम इबनिब्बान ने इसको मौसू ज़िक्र किया है यानी अल्लाह के नबी सक सनत को पहुँचाया है मरफूअ वमालूल और ये रवायत माललूल है ये इबन हजरस रम्ह कहते हैं कि ये हदीस क्या है मलूल है आ, मालूल कहने की वजह यह है कि इन्होंने यहाँ पे जो हदीस की सनद में जो एक रावी हैं सुलेमान अब दाऊद यमानी से मरवी है और ये शख्स वाक़ता ऐसा है कि इसको तर्क करने पर सबका इत्फाक़ है उन्होंने क्या समझा कि इस हदीस को बयान करने वाले यही हैं जबकि सही बात यह कि यहाँ पे यमामी नहीं है सुलेमान अब दाऊद यमामी मुराद नहीं है बल्कि असल में मुराद सुलेमान अबल दाऊद अलौलानी है तो हजत इमाम इबन हज़र रसानी रहम्ला को आ, समझने में शव हो गया भूल हो गई उन्होंने इनको समझ लिया जिसकी बुनियाद पर उन्होंने कहा कि रवायत मालूल है जबकि हकीकत और तो सच्चाई ये है कि ये रवायत मालूल नहीं है क्योंकि इस हदीस के इस हदीस की संद जो रावी हैं जिसकी बुनियाद पर इनको को रवायत को मालूम कहा गया है वो सलीमान इब्न दाऊद अलखलानी हैं और वह मोतबर हैं सारावी हैं और तमाम अहिल ने इम्दसिन ने इन की तारीफ बयान की है और वो काबिल अतमाद और काबिल भरोसा और शिकारा भी हैं यहाँ हदीस में कहा गया है कि कुरान को न छुए वही शफ जो पाकिज़ा हो और यानी वज़ू से हो तह, देखिए तहारत की दो किस्म होती है तहारत दो किस्म पर है एक तहारत वो है जिसकी ताबीर हद से अकबर से की जाती है और दूसरी हदसे असगर से यानी हदस की तहारत की दो किस्म है यानी एक आदमी पाक हो रहा है दो तो वो दो चीजें से बुरात होता है पहली चीज है कि आदमी नापाक हो गया था गुसल की जरूरत थी इसको हदसे अकबर कहा जाता है कि आदमी जुन भी हो गया जनाबत में दाखिल हो गया नापाक हो गया अब उसको नहाना है तो ये हदसे अकबर अकबर बने सबसे बड़ा और दूसरी जो किस्म है हदसे असगर कि आदमी बेवजू हो गया था नापाक तो नहीं हुआ लेकिन बेवजू हो गया अब वो वज़ू बना लिया तो वो ताहिर हो गया वो क्या हो गया तहारत इख्तियार कर ली ताहिर हो गया पाकिज़ा हो गया पाक हो गया तो यहाँ पर अक्सर लोगों ने या जे कह लीजिए कि सलफ़ के अक्सर फकहा ने यही माना बयान किया है कि क़ुरान को छूने के लिए मुसहफ़ को हाथ में लेने के लिए पकड़ने के लिए बावजू होना चाहिए किसी हदीस की बुनियाद पर अगर हद से अकबर यानी जनाबत वग़ैरह हो तो ऐसी सूरत में कुरान मजीद को छूना या हाथ लगाना ममनू और नाजायज है क्या है ममनू और नाजायज है महज बेवजू होने की सूरत में अख्तिलाफ़ यानी अगर आदमी का वज़ू टूट गया है आदमी बेवजू हो गया है तो इस सूरत में फ़कह के दरमियान इख्तलाफ़ है बाद फकह ने ही कहा कि नहीं ये भी नहीं छू सकता है और अक्सर लोगों ने यही कहा है कि नहीं अगर अक्सर लोगों ने यही कहा है कि बावज़ू होना ये बेहतर है आ, लेकिन बाज़लमाना ये कहते हैं कि अगर बेवग़ैर वज़ू के भी छू लेता है तो उसकी भी गुंजाइश है लेकिन इस सिलसिले इस मसले में सलफ़ का जो अमल रहा है या बेहतर तरीक़ा है सारे कन्फ्यूज़न और इख्तलाफ से बच करके और अहादिव पर अमल करते हुए वो ये है कि कुरान छूने के लिए हम वज़ू बनाएँ कुरान की तिलावत के लिए वजू बनाएँ मुसह पकड़ने के लिए कुरान हाथ में लेने के लिए वज़ू बना करके पुराने करीम की तिलावत करी ये सबसे बेहतर होगा जो यही राजे है और यही बेहतर है तो हदीस का खुलास कलाम ये निकला कि अल्लाह के सल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लेटर लिखा जिसमें ये बात दर्ज थी या लिखी हुई थी कि अल्ला ताहिर कि कुरान को न छुए मगर वो शख्स जो पाखीज़ा हो यानी वजू से हो इस हदीस से जो बातें मालूम हुई वो ये कि लिख करके पैगाम या दावत का काम करना चाहिए पहली बात क्या मालूम हुई लिख करके दीन और दावत का काम करना चाहिए एक बात ही मालूम हुई दूसरी बात ही मालूम हुई कुरान करीम या मुसहफ को छूने से पहले वज़ू बनाना चाहिए अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की अता फ़रमाए अला नबी न व वसलमत तस्लीमन कसीरा।